तुम्हारा लाइफ स्टाइल जो अभी तुम्हारे पास है job, you know, you house, जो तुमने किया तो तुम्हें स्केल करके आगे लेके जाओ एक एडवाइस दूंगा है कि अपने सिर्फ पाकिस्तानी में आप किसी और के मुल्क में आए हो उनका कल्चर डिफरेंट है उनकी मजाक डिफरेंट है से तुम इंटरव्यू हो मैं इंटरव्यू देने आया हूं तो मैं ठीक है क्या सवाल वो पूछते हैं इंटरव्यू में मतलब maybe an hour before the interview. से ख्वाहिश थी के मेरे भी बिलाल सुनहरे लंबे बाल हूँ लेकिन मैं जब भी बढ़ाने लगता हूँ ना तुम लोग बकवास करने लग जाते बाल कटवा लो ये कर लो वो कर लो बुरे लग रहे हैं फिर मैं भी जाके कटवाई आता हूँ जोश में आगे So, आपको थोड़ा सा अगर उस वक्त पे आप हैंडल कर ना, तो उसके बाद यार मेरे जो मैंने अपने कभी बाल इतने लंबे नहीं थे, बस मामा मुझे काफी करती थी, और मेरी बहुत है किसी के बाल लंबे मुझे तो मतलब यही था डर के गंजा ही होना में भी आगे तुम्हारे सही रहे हमेशा जैसे हाँ, तो <laughs> बाल, बाल गिरते ना अंकल लगने लग जाता पूरा अगर आपके बाल गिर गए ना तो आप तो फिर गंजी करा ले दो तीन बाल सर को रख के बुरा लगता है अगर आपके बाल नहीं है और आपकी बॉडी नहीं है ना तो फिर आपका काम खराब है आप गंजे हो आप थोड़ा बहुत वर्कआउट कर लो ना ओके okay, हाँ, और अगर दोनों नहीं है तो फिर पैसा होना चाहिए होना कुछ तो रखो ना अपने पास वरना <laughs> नहीं इस दुनिया में तुम्हें मिलेगा इंसाफ आप लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट की थी ईद वाले ब्लॉग पे के बिलाल भाई के साथ पॉडकास्ट हमें बड़ी इनसाइट मिली बिलाल भाई से आपने कभी भाई उसे अपने हार्ट टू हार्ट इस तरह बात नहीं की दिस इज बिलाल एंड uh, आपको यकीन नहीं होगा बट ही इज एट ईयर ओल्डर देन मी अब बहुत से लोग हम जाते थे ना मॉल में कहीं पे जाते लोग कहते हो दोनों मैंने कहा नहीं पाइन ये मुझे पढ़ाया करता था एक जमाने में एबीसी तुम और वली भाई जो है ना वली भाई जिसको अभी भी लोग समझ

दुनिया में है अगर आप इंस्टाग्राम खोलते हो टिकटॉक खोलते हो आपको खूबसूरत लोग नजर आ रहे हैं हर जगह पे लोग वेकेशन में आ रहे हैं तो हमें वो कॉन्सटेंट स्ट्रेस और एंगजाइटी रहती है कि यार हमने दुनिया से कम्पीट करना है अब मेरे जैसे बच्चे को देखते हो फिर कुछ लोग उससे भी मसला होता है you know, कि यार इसकी जिंदगी इतनी अच्छी है वो फलाना हमारी इंटरनेट so hmm. like like, है इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास. हमारे पास है

Basically, you know, like satisfied with your life, like you have enough. There is no end to competition. Basically, there's always a bigger fish than you. There's always someone that you can better look, looking uh, than you. Manager so, to senior manager so, hunga. That, That's you know like a decent way to live your life, but it's not the only way to live your life. kya matlab code hai? Matlab tum mujhe, baat hoti to tum satisfied Like I get to do everything. tum job ho, you have a house and then you're married and whatever, but like. Like, do you have a goal to improve in this, or like, I the chill, earn? I think like <laughs> I've been I've been blessed enough where I never had to like pursue money. It just came to you. ऐसी बात मेहनत तो करनी पड़ती है ना अब तुम्हारी, तुम्हारी जॉब जब लेकिन... जाती है तो तुम डे और नाइट लगे तो जॉब सर्चिंग में वगैरह जिसकी हम अभी बात करेंगे बिलाल भाई इज वेरी गुड इन लाइकोनी उन्होंने काफी स्विच की अमेरिका के अंदर एन आउट ऑफ कॉलेज हाउप और ये काफी स्टूडेंट यहाँ पे अमेरिका में स्ट्रगल कर रहे हैं उनके लिए भी हेल्प हो सकती है कि वट टू लुक आउट फॉर या फिर companies. Like in anyways, huh? You reach a certain point in your life where you basically have to figure out exactly what's important for you. Twenty eighteen, uh twenty nineteen basically I had a good job, but I was working like, you know, twelve to thirteen hours every day. ye karna and then I had this epiphany at that time like what am I doing with my life? Am I going to like keep continue working towards the next thing, towards the next thing and just not even like enjoy my life. If, if, purpose a you purpose know, ट ले करेंगे मुझे शबाशी मिलेगी मुझे वेलीडेशन मिलेगी mm. खुश होगा थोड़ी देर के लिए लोग मुझे लिए, क्या बात है कि तुम यहाँ पर अपना प्रेजिडेंट बन गएंगट आई डोंट पर्सनली एंजॉयर एक्चुअली लुक इन डेप्थली

used to be like really active in my investments before i used to like you know research stocks or ye sara kuch karta and tha toh stocks crypto mein bhi the Main crypto mein tha lekin i just don't enjoy that anymore <laughs> lekin par yeah. in in general bejdiye like maine the to tumne saara, sara ha na sara bech garbage uh, actively invest karta tha sara kuch karta tha bahut zyada apna youtube finance vagairah ki videos dekhta tha and then i basically said you know at the end of the day what i need is just like enough rate of return where it's like not you know like bad so basically I moved all of my money basically index funds index uh, but, fund ka thoda sa hota hai basically S&P 500 or Vanguard hota hai. collective index fund hota hai of like the top 500 market. companies so mm -hmm. the safest place to invest karne ki in the long term it's not the most safest but it's but like a good good really, you know like relatively safe option so many I moved everything there and also the house situation thi, I basically researched a lot about it I read mm. some books ke, basically से ऑनटरप्रिनशिप mm -hmm. कर हाँ. तो नहीं, नहीं करनी वो क्या करे मतलब हर बंदे की सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट होती है लेकिन इन माई सिचुएशन बेसिकली वै डेड वॉज लाइक यू इनिशली स्टार्ट जॉब एंडल एंड शो टू थ्री सैलरी ठीक है आप बैंक के पास जाते हो अमेरिका में सबसे जो बड़ा एडवांटेज लोगों के पास है यहाँ पर वाई ऑफ़ पीपल आर सक्सेसफुल हियर सक्सेसफुल्स बिकॉज द अमेरिकन गवर्नमेंट बैक्स यू थ्रू बैंक लोन्स यू हैव द दर्चुनिटी टू गैट लोन्स एट क्रेजी इंटरेस्ट रेट्स लाइक थ्री परसेंट फोर परसेंट फाइव परसेंट इंटरेस्ट रेट मतलब कि अगर आप क्रेडिट हिस्ट्री हम यहाँ पे क्रेडिट कार्ड जल्दी खुलवा लो ना आते और आ, आपकी हिस्ट्री बिल्ड हो जाती है आपकी अच्छी जॉब है थोड़ी सी नॉर्मल पेंग भी बट अगर आपके पास थोड़ी इन्वेस्टमेंट है आप बैंक को जाके मतलब लोन उनसे निकलवा सकते हो तो एक लाख डॉलर का भी नहीं ज्यादा का लाख डॉलर तो बेसिकली आपको क्लियर कर देंगे लाख डॉलर पे लोन घर के लिए घर के लिए स्पीकिंग यू गेट अ रियली गुड विद यू अ गुड इंटरेस्ट रेट यू लिव इन हाउस

तो रेंट हो जाता है छब्बीस हो जाता है ईयर बाईर लाइक इंक्रीमेंटिंग लाइक हंड्रेड टू हंड डॉलर लेकिन ये एक प्रॉपर्टी का है तो पांच सौ छे सौ आप एक घर से बना सकते हो हाँ। प्रॉफिट ठीक है फिर आप दूसरे घर में रह रहे हो उसका तो खैर आपकी जो इनकम आप जॉब करो आपको उससे भी पैसे जाते रहते हैं फिर इस तरह तो आप स्केल कर सकते हो आपने एक जगह भी किया फिर आप दूसरा घर फॉर एक्जाम्पल तुम इस घर में रह रहे हो अब तुम नेक्स्ट में मूव करोगे इसको भी रेंट पे दे दोगे एक्सैक्ट exactly, लेकिन मैनेज करने में नहीं मसला होता नहीं यू यू बेसिकली हायर प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी आई 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 टोल्ड लाइक लाइक डोंट केयर अबाउट इफ एम मेकिंग

जो है लाइफ का पर्पस वो है बस नई जगह एक्सप्लोर करनी है जाना है और वो ये तुम्हें लाइफ केटर कर रही है उसमें ये तुम्हारी जॉब है, हाँ, मतलब है मुझे बंदा जब आ, अपने मुल्क से बाहर निकलता ना तो पता चलता है कि अगली दुनिया में इतनी चीजें जो आपने एक्सप्लोर ही नहीं की और हाँ, लोग भी रह रहे हैं वहाँ पर भी जिंदा रह रहे हैं ठीक है वहाँ पर भी हंस खेल रहे हैं उनकी भी लाइफ चल रही है आपका थोड़ा

किसी और के मुल्क में आए हुए हो उनका कल्चर डिफरेंट है उनकी मजाक डिफरेंट है द मोर यू इंटरेक्ट विद द मोर यू अंडरस्टैंड एट अ वेरी फंडामेंटल लेवल जब आप उनको फंडामेंटल लेवल पर समझ सकते हो ना और फिर आपको समझ आएगी यार ये तो हमारे जैसे ही है थोड़ा बहुत ही फर्क है तो देन यू कैन बी मोर कॉन्फिडेंट वन यू टॉक टू दैम ठीक है आप इंटरव्यू में बैठोगे ना सामने आपके फर्स्ट करो कोई गोरा बैठा हुआ कुछ बैठा हुआ यू कंफर्टेबल विद इट सीम लाइक एलियन टू यू वन यू गो इन कॉलेज इंटरेक्ट विद पीपल आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज मुश्किल हो जाता है यार नेटवर्किंग करना और सारी चीजें करना डिफरेंट डिफरेंट

I would pick the person who has better communication skills. It doesn't matter. Just keep better. Just keep better. Like any work can be taught. That's hundred percent true. I have jo college me 4 saal And I Swear agar I go to college na bhi jaato, toh maa nee job karna saath. Ah, they have like really good systems, and apko ap job karna jaato, par training shuru se parate. At the end of the day, what they're looking for is like number one, you're smart. Your resume basically shows ke okay, you know this person is smart. Other thing that they look for is your personality and your communication skills. Meri jitne bhi dost the na. जिनके कम्युनिकेशन स्किल तगड़े थे ठीक है कॉलेज से जब ग्रेजुएट है उनको दस की जॉब लगी और जो हमारे जिनके पास अपना क्या कहते जीपीए भी अच्छा जीपीए भी अच्छे थे, वो थे उनको सर, थोड़ी ट्रबल हुई थी एनी कॉलेज डिग्री अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुम्हारे सेलेक्ट से तुम इंटरव्यू हुई हो मैं इंटरव्यू देने आया हूँ तो ठीक है मैं तुम्हारे पास अभी आया हूँ क्या तुम्हारे सवाल होंगे और मुझे किस तरह उनका जवाब देना होगा क्या सवाल यूजली वो पूछते हैं मतलब They ask all, all, most of the time, like the questions we ask we basically google them like maybe an hour before the interview Achha. in some cases huh? number one obviously you want to see like if the person has experience relevant experience to the job the other thing that people look out for is the type of personality that will be joining your work if you are smart it doesn't matter they feel that you do not fit in their company's culture they would not hire you in some companies they expect you to work 12 hours a day without complaining there a very third culture and they want to hire more people like that my advice is that company

like most of the work that you do in your office it can be done in like 10 hours to 20 hours

Really depends. I mean, like, if you don't have any roots, then job hopping is great. Yeah. But uh, if you want to settle somewhere, obviously, job hopping is not a great idea. Yeah. My case was a different. job was in Kalamazoo, Michigan. So, Michigan I, did, huh? Michigan Haan, Michigan Kalamazoo is, uh, not in a good part of Michigan. I was a lot of snow. People were really nice, but I was not making a lot of money. I got a senior position in a different company, but that was even a smaller town. It, it had, like, I think, 4,000 people living there. Four thousand four thousand four thousand people. there totally वहां पर आई फेल रियली क्योंकि वहाँ पर ना कोई पाकिस्तानी था ना इंडियन था ना हो जाता बंदा बस वो यहाँ बहुत छोटा मैं डेलिस में रह अकेला के ना लोनली हो जाता था यू हाँ. नो you know, ये तो फिजा आगे बचा लिया उसने मुझे तो उस वक्त मैंने मास्टर्स भी किया अपना साथ में फिर आई थिंक लाइक आई मूव टू द ई दिक्रेट कंपनी बिकॉज आई गॉट मैरिड तो वहाँ से फिर तुम्हारा बेसिकली करियर सही बना था एक स्टेबल हो गया था उसको तो ये मेहनत तो करनी पड़ती है यार आपको एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए एंड देन मतलब तुम एक जॉब जब अप्लाई करते हो तो ऐसे तो नहीं होता ना कि जिसमें किया उसी में नंबर आ गए कितनी जॉब्स तुम्हें करनी पड़ती हैं एक कंपनी से जवाब आने के लिए अभी फूड इंडस्ट्री फॉर अभी हालांकि मेरा काफी ज्यादा एक्सपीरियंस भी था आई अपलाईड टू ओवर थ्री हंड्रेड बेसिकली गॉट अ जॉब आई थिंक आफ्टर मंथ अब हाफ टू मंथ 300 कंपनीज में अप्प्लाई हाँ, करके और एक मुझे ना एक लड़की के पीछे नहीं जाना होता मतलब <laughs> सौ दो करो तो उसमें से एक दो हाँ देखते हो ऑंटरप्रीनरशिप में भी क्या करते हैं आप एक कंपनी को तो नहीं अप्रोच करते आप सौ को करते हो लेकिन हर कंपनी को बताते हैं यू आर माई सोनिया यू नो लेकिन कहने का मतलब ये कि आप बात सबसे एक ही तरह करो तो इसको गेम कहते हैं ठीक है तो गेम हर

contract job as a design engineer, medical device. Uh, it was basically company named Striker. They they made like medical beds, medical equipment and stuff like that. जो medical आपकी hospital में सारी equipment नहीं होती, उसके जो design वगैरह होता ना, उस department में basically. हाँ, so it's not bad कि आपको अपने department में job नहीं मिली. Just be flexible as the start. बात तुमने बड़ी अच्छी की है. और मेरे से ना काफी बच्चे पूछते हैं कि यार हम ना degree की concentration किसमें करें? हम cyber security में जाएं, हम इस field में जाएं, उस field में, में जाएं. I think it's टाइम पे ना कंप्यूटर साइंस तो हर डिपार्टमेंट में वैसे ही घुसी हुई है कुछ लोग मैंने देखे मेडिकल डिग्री भी कर लेते हैं फिर भी उनको सी की जॉब मिल जाती है अगर थोड़ा सा भी स्किल कर लें हाँ. या वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की भी उनको कार वाली कंपनी में भी जॉब मिल जाएगी एक्टली exactly. तो डिपेंड करता है सो या द होल मार्केट इज बेसिकली सप्लाई एंड डिमांड राइट सो कभी कभी किसी चीज की डिमांड हाई होती है तो वो मार्केट थ्राइव कर देती है अभी फॉर द लास्ट टेन ईयर्स टेक जो थी उसकी डिमांड बहुत हाई थी सिक्स फिगर सैलरीज मिलती थी बच्चों को अपना गोइंग टू लाइक सैन फ्रांसिस्को ऑल ऑफ दिस प्लेज ट so थे तो सी एस का मैंने अपने टाइम से मुझे जॉब मिल गई थी लेकिन अब वाले बच्चों को दूसरी फील्ड में अगर वो जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल मैकेिकल में एट द एंड ऑफ यूल फाइंडिंग एट द एंड डे आपकी जो डिग्री होती है ना बहुत सारी वो बस ये प्रूव करी होती है की दिस परसन शीज दबिलिटी Did an electrical engineering uh, degree, and then you end up working in a completely relevant field, working in finance. That's totally fine too. You're not just an engineer. You're not just a doctor. You're someone outside of that life too. Do you think it's worth it, college, and all these Definitely. Ah, uski waja batatam. Yahan par log bahut separately rhte hain. Okay, they don't have a lot of like places to socialize. So, America ke there basically college ke under.

And so, like they didn't care about anything else. एक मेरे teacher था मुझे याद है वो बेचारे fourth हो गए लेकिन he took me from E to A on add maths. और वो तेरे मजे से एक तरीके से add maths पढ़ा तो उनको एक से ना shock होता उनको basically. And he wasn't after the money or anything या कोई ऐसा scene नहीं था but he was just like every time you bring him the question he was like these teachers genuinely care. I had a teacher like that मेरे अपने eight ninth grade में जो मेरे math teacher थे te, sir Faroo he gave me a lot of time because I was not really good at math at the time because because of his effort because he didn't think i was dumb because everyone already like passed me as dumb he would give me a lot of like time with some because of his effort because he didn't think i was dumb he started like asking me questions about like sixth grade math seventh grade math i didn't want to look stupid in front of him so i would just lie that i already know these concepts uh -huh. one thing i can tell you guys is like don't फिर लीजिए शेम है ना ये आपका जो है ना आइजंदगी जिंदगी खा जाती है ठीक है शर्म नहीं खाने किसी भी चीज में खाओ थोड़ी बहुत लेकिन ज्यादा तो ना खाओ हर वक्त ना खाओ शर्म मतलब फॉर लर्निंग व्हेन व्हेन इट कम्स टू लर्निंग व्हेन इट कम्स टू लर्निंग इट्स ओके टू ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस अगर आपका कोई मैनेजर आपको काम देता है उससे

पहले ले जाएगा, बात उसी की सुनी जाएगी तुमने जैसे बात की थी वाली, अगर मुझे मसला नहीं यहाँ पे मतलब इंडियन लोग कैसे बोल रहे थे इंग्लिश देखो सीओ बने यहाँ पे बात कोई भी करता है about these minuscule things that a lot of people don't care about explore what you actually want in life okay I think like you should genuinely sit down with your thoughts and ask what is important for you what do you want to achieve in life and what, what do you care about you should have some clarity you should not say I am doing it because somebody else did it what do you want that is more important thank you Bilal it was a lot of fun doing the podcast if you liked the podcast then do let me know in the ठीक है ये पॉडकास्ट और ये जो चीजें ना ये मैं थोड़ी ब्रेक ब्रेक देख के करता हूँ कंटिन्यूस नहीं होती इसमें फूड रिव्यूज़ वगैरह दूसरी चीज़ें भी कर रहे हैं हम लॉग भी डाल रहे हैं तो अगला इनशाला वली भाई के साथ करेंगे ही इज़ कमिंग इन टाउन तो एक उनके साथ भी बैठ के करते हैं वली भाई जो है ना टेक के जीनियस है जरा तो उनके साथ वोली बातें चलेंगी और वो शुगर भी उनके साथ डिफरेंट लगता है तो एनी थैंक यू बिलाल बॉयज एंड गर्ल्स डोंट फॉर टू सब्सक्राइब योर बॉय मूसा खाना और मुझे इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हो टिकटॉक पे भी तुम्हारे भी करवा दें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं मेरे पे प्लीज मेरे फॉलो ना कर तुम लोगों का ये उसके एवेंजर हंट बन गया अगर ढूंढ सकते Don't learn, okay, boys and girls. I will see you guys in the next vlog, inshallah.